भागलपुर सर्किट हाउस में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जंगलराज के समय शिक्षा भी जंगल सी हो गई थी। जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदभार संभाले हैं, तब से शिक्षा में बहुत बदलाव आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर आने का मुख्य मकसद है जदयू की शिक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत करना एवं सदस्यता अभियान के तहत जदयू में कार्यकर्ताओं को जोड़ना। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भागलपुर के युवाओं को जदयू से जुड़कर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जदयू बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। मीडिया ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप से सवाल भी किया कि अभी भी शिक्षा की स्थिति कई जगह बद से बदतर है, तो अपने जवाब में कहे कि इसका आंकड़ा दिया जाए पदाधिकारियों से कहकर उस पर जल्द से जल्द काम होगा। कार्यक्रम में जदयू के कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। अमरदीप, प्रदेश अध्यक्ष जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ, आज संवाद यात्रा के तहत भागलपुर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पूर्व में जदयू के 34 प्रकोष्ठ थे, अब उनकी संख्या घटकर 12 हो गई है। आज आप जिसे शिक्षा प्रकोष्ठ कहते हैं, इसी में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी है, कलंजवी प्रकोष्ठ भी है। इसका दायित्व तो अब पहले से बहुत अधिक हो गया है और शीर्ष नेतृत्व का इस बार बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्षों के लिए कि आप लोग बारी बारी से 3800 जिले में जाएँ, वहाँ के साथियों से राय मशविरा करें, उसके बाद ही जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन करें। और साथ ही निश्चित तौर पर जो हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि मुझे ये दायित्व दिया गया है, उन कार्यों को मैं साझा करूँ अपने साथियों के साथ, ताकि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाए, ये उद्देश्य है। कैसा लग रहा है शिक्षा बिहार में किस स्तर पर है? देखिए, जब हमारे नेता को 2005 में बिहार की कमान मिली थी, उस वक्त की क्या स्थिति थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और आज मैं, जैसा कि मैंने अपने संबोधन में भी कहा था, एक बीच वाले साथी वहाँ मौजूद थे मेरे संबोधन दरमियान, कि बस एक ही आंकड़ा बताऊंगा कि 2005 में तमाम विभागों का बजट 23,800 करोड़ था और आज केवल शिक्षा विभाग का बजट 38,191 करोड़ है। और बजट केवल नहीं बढ़ा है, तमाम सुविधाएं बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं, आज हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, हर जिले में चाहे ANM संस्थान हो, GNM संस्थान हो, पारामेडिकल संस्थान हो, ITI संस्थान हो, महिला ITI संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम चीज़ें आज हर ज़िले में हैं। और बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। आप कह सकते हैं कहीं कहीं सत्र विलंब से चल रहा है या शिक्षकों की कहीं कमी है, वो तमाम चीज़ें प्रोसेस में हैं। और निश्चित तौर पर हमारे नेता ने अपने भागीरथ प्रयत्न से जब बिहार को यहाँ तक वो लेकर आए हैं, आगे अगर कुछ कमियाँ हैं तो वो भी दूर होंगी। आज भी बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं, उसे दरी भी मुहैया नहीं कराया जा सक रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, फिर अगर आपने ये सवाल किया है तो आपको ऐसे विद्यालयों की संख्या ही बतानी होगी, ऐसे कितने विद्यालय हैं। अपवाद स्वरूप हो सकता है, आमतौर पर चूँकि मैं भी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं जदयू मीडिया सेल का संस्थापक अध्यक्ष रहा हूं, आमतौर पर क्या होता है कि आजकल मीडिया की प्रवृत्ति हो गई है किसी बात को सनसनीखेज तरीके से बनाकर पेश करने की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो अगर हो सकता है कहीं किसी विद्यालय में कुछ सुविधाओं की कमी हो, लेकिन उसे आप उस चीज़ को, उस कमी को आप पूरे बिहार में फैलाकर नहीं देख सकते। ऐसे कई विद्यालय हैं जहां सुविधाओं की भरमार है, वहां जाकर आप देख सकते हैं।